हैप्पी बर्थडे है और आप आए हैं, किस तरह से उनका विश ऑफ ब्लेसिंग करना चाहिए? भाई जन्मदिन का जैसे सीधे सीधे विश करते हैं वैसे मैं भी कर रहा हूँ। अंजना मेरी दोस्त है, भोजपुरी की टॉप स्टार है। मैं अपने दोस्त को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ देने आया हूँ। वो जितनी अच्छी स्टार है उतनी अच्छी दोस्त है, एक्ट्रेस तो कमाल है ही। तो यार अपने इस दोस्त के लिए सेलिब्रेशन तो बनता है, वही आया हूँ। अंजना जी के बारे में बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे? कमाल की अदाकारा, कमाल की इंसान, इससे बड़ा और कॉम्प्लीमेंट क्या दूँ। मनोज जी बात करें, आपकी जो है पंचरंग नाट्य जो आपका संस्था है उसके माध्यम से नए कलाकारों को वर्कशॉप करवा रहे हैं, दिनों क्या कहना चाहेंगे? पंचम रंग वर्कशॉप हमेशा करता रहता है। ये वर्कशॉप है नए बच्चों के लिए जिनमें काबिलियत है लेकिन उनको पॉलिश करने के लिए, तो हमने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है। कितने दिनों का है और कब? 5 दिन का है, 10 को ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मंचन भी करने वाले हैं? जी 11 को ही करेंगे या 10 को करेंगे मुंबई। ये कहाँ पर होने वाला? ये बताएंगे वक्ता ने। अच्छा वर्कशॉप की बात की जाए तो बाकी और कहाँ कहाँ होगा वर्कशॉप मुंबई के अलावा? लखनऊ, गोरखपुर, बस्ती और देवरिया। फिलहाल यूपी में करेंगे, बिहार का भी कंफर्म नहीं है। एक और फिल्म एज ए हीरो एक फिल्म लेके आ रहे, लागल रहा बतासा, क्या कहना चाहेंगे? बस देखिए जैसे ही बतासा को प्यार मिला वैसे लागल रहा बतासा को भी प्यार मिल जाए, छठ के पहले आ जाएगी फिल्म। दर्शकों से कहना चाहिए? दर्शकों से कहूँगा कि अंजना के जन्मदिन पर आप लोग शुभकामना दीजिए और बतासा को प्यार दीजिए। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.